हम तो पहली बार बिहार आए हैं, अभी तक नहीं आए, लेकिन हमें बहुत आनंद आया सच में बिहार में, सच बता दो। हमें ये नहीं था पता कि इतने पगला रहते हैं, हम पहले ही आ जाते, इतनी देर से आए, लेकिन चलो देर से आए आए तो अब आते जाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जब तक बिहार राममय नहीं हो जाएगा तब तक हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब बिहार में एक ही कमी है, पूछो क्या, राम भक्ति की बुहार की कमी है। अभी सीख पाओ, शायद तुम बिहारी आदमी आओ, खा पी के ज्यादा भात आ गए हो, चावल ज्यादा खब गए हो, पानी कम पे वो हो, पंडाल से निकलवे ना मिलो हो, कई जन के तो पसीना में मेकअप बहा गए, कई जन के कपड़ा बड़ी क्रेज में आए थे कि फोटो खींचे, ना फोटो खींची ना टीवी चली। कई लोग तो अच्छा, कई लोग हमने देखे हैं, कई लोगों की भक्ति बड़ी अद्भुत होती है कि उनके सामने कैमरा जाएगा वो भी सीताराम सीताराम सीताराम, और कैमरा ना जाए कहोगे ताली बजाओ, और कैमरा चलो जाए तो ऐसे भी होते हैं। तो आज तो कुछ नहीं चल पाया, तो हो सकता तुम मन में खिन्न हो, लेकिन हम आपको कहेंगे चार बातें ना भी सीख पाओ तो पांचवी बात आज सुंदरकांड की सीखने योग्य है। करोगे और सो भी जाओगे तो तुम्हें हनुमान जी जैसे संत जगाने चले आएंगे। और ये बिहार, बिहार में अनेक अनेक महापुरुष हुए, अनेक अनेक संत हुए, और उन संतों ने बिहार के लोगों को जगाने का ही काम किया, और रामचरितमानस भी जगाने का ही काम करती। और हमें ऐसा लग रहा जानकी माता की भूमि तो है, भक्ति तो है, पागलपन है, पर अब ये बरसनी चाहिए, छिड़कनी चाहिए, बुहार माने होती है छिड़काव, अब ये छिड़कने की जरूरत है। हमें लगता है बागेश्वर हनुमान जी ने हमें भेजा ही इसीलिए कि जाओ तुम भी बिहार में बहार लाओ। और देखो कितना अच्छा संयोग है, बिहार में राम की बहार बागेश्वर से बुहार रही, बिहार में राम की बहार बागेश्वर से चलकर के बुहार रहे हैं, कितना अच्छा संयोग है, सब बाबा से जुड़ गए हैं। और एक अद्भुत बात, हमारे यहां हनुमान जी को कहते हैं बालाजी, क्या कहते हैं बोलो बोलो, क्या कहते हैं बालाजी, तो बिहार में राम की बहार बालाजी बहा रहे हैं। है? कौन बहार है, बालाजी बहार है, तो धन्य है हनुमान जी की कृपा, हनुमान जी का यही काम है। क्या हनुमान जी सोते हुए को जगाते हैं, लेकिन एक और, जो सो रहा हो उसे जगाना संभव है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा हो उसे जगाना बड़ा मुश्किल है। जो सो रहा हो, ए भाई उठो उठो, बागेश्वर वाले महाराज आ गए, उठा तुम सो रहे ठटरी के बरे, उठो तो बोल जा, हाँ भाई हाँ, सीताराम 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 सीताराम, क्या हुआ है महाराज आए, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा हो, जग तो रहा हो लेकिन आंखें मीचे, हमें नहीं उठने हो। अब उसके सामने तुम कितने भी बाजे बजाओ, डीजे बजाओ, थपाड़ा मारो, ऐसे आदमी तो जब तक इनकी बिस्तरी गायब ना हो तब तक नहीं उठते हैं। तो धन्य है हनुमान जी, हनुमान जी अद्भुत हैं, हनुमान जी विभीषण को जगाते हैं, लेकिन कौन से प्रयोग से, राम नाम के प्रयोग से। और जीवन में जग भी व्यक्ति राम नाम के प्रयोग से पाता है। बोलो सीताराम। तो हनुमान जी विनम्र हैं, कायर नहीं, विनम्र गुण है, कायरता दोष है। हनुमान जी में विनम्रता बहुत है, हाथ जोड़े हैं, लेकिन हनुमान जी कायर नहीं है। जब हनुमान जी मच्छर के समान रूप धारण करके आगे चले तो बड़ा अच्छा वर्णन आया, नाम लंकनी एक निश्चय सो कह चलसी लंकनी नाम की एक निशाचरी
लंका के दरवाजे पर सुरक्षा गार्ड बनकर, सिक्योरिटी गार्ड बनकर बैठी। हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे और जैसे ही प्रवेश किया, सोई वो चिल्ला कर बोली, रुको, हम चोरों का भोजन करते हैं और हम पहचान गए तुम चोर हो, और हमारे रहते हुए कोई चोर प्रवेश कर जाए, मेरा नाम लंकनी है, लंकनी के रहते कोई चोर प्रवेश नहीं कर सकता। आहा, हनुमान जी बड़े हंसे। लंकनी ने कहा, हंस क्यों रहे? हनुमान जी बोले, सना तुम्हें हम चोर दिखा रहे? तुम चोरों का आहार करती हो कि चोरों को रखाती हो? लंकनी बोली, मतलब? बोले, अगर तुम चोरों का आहार करती होती, चोरों का भोजन करती होती, तो सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है। उसने हमारी माता जानकी जी का हरण किया, उसको तो तुमने खाया नहीं। हम पता लगाने आए तो हमारे भोजन की बात कर रही है, तो तुम चोरों को खाती हो कि रखाती हो? लंकनी बोली, सावधान, बातों से काम नहीं चलेगा। हनुमान जी बोले, अच्छा। लंकनी बोली, हाँ। हनुमान जी ने एक मुक्का बनाया, मुठ का एक महाकवि हानी रुधिर बमत धरती जन मानी। एक मुक्का मारा। अच्छा देखो, मुष्टिक क्या है? मुष्टिक में है पांच उंगलियां, छोटी बड़ी बीच की, अंगूठा। ये जब सब एक हो जाती हैं, इसका बन जाता है मुष्टिक, और अगर ये एक ना हो तो मुष्टिक नहीं बनती। और हनुमान जी मुष्टिक बनाकर लंकनी पर मार क्यों रहे? इसके पीछे रहस्य बहुत अच्छा है कि जब भी हमारे सनातन पर कोई प्रहार करे तो हम सबको, सब हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए और मुष्टिक की भांति प्रहार करना चाहिए। पांच उंगलियां हैं और पांच उंगलियों को हनुमान जी एक करते हैं, उसका बनता है मुष्टिक। और मुष्टिक बनाकर हनुमान जी मानो सूत्र देना चाहते हो कि जिंदगी में संगठन के साथ रहना चाहिए, राम काज के लिए संगठित रहो। लंकनी के ऊपर एक मुष्टिक का प्रहार किया तो लंकनी के मुंह से निकला रक्त, लंकनी हो गई विरक्त। लंकनी के मुंह से निकला रक्त, लंकनी हो गई विरक्त। और बोले, क्यों? बोले, जब भीतर से दोष निकल जाता है तो पर भाव राम जी के चरणों में जुड़ ही जाता है। और रामायण की चौपाई, उनी संभार उनी सो लंका, उनी संभार उनी सो लंका, जोर पानी कर बिनहि ससंका, जोर पानी कर बिनहि ससंका, उनी संभार ना सीख पाओ तो आज की कथा से एक बात और सीखो। पूछो, क्या पूछो? सोते सब हैं, लेकिन जो काम में सोते हैं उन्हें रावण जगाता है, जो राम को हृदय में रखकर सोते हैं उन्हें हनुमान जगाते हैं। आज की कथा का पांचवा सूत्र, और अगर जे चार ना भी सीख पाओ, शायद तुम बिहारी आदमी आओ, खा पी के ज्यादा भात आ गए हो, चावल ज्यादा खब गए हो, पानी कम पिबो हो, पंडाल से निकरवे ना मिलो हो, कई जन के तो पसीना में मेकअप बहा गए, कई जन के कपड़ा बड़ी क्रेज में आए थे कि फोटो खींचे, ना फोटो खींची ना टीवी चली। कई लोग तो अच्छा, कई लोग हमने देखे हैं, कई लोगों की भक्ति बड़ी अद्भुत होती है कि उनके सामने कैमरा जाएगा, वो भी सीताराम सीताराम सीताराम, कैमरा ना जाए।
कहोगे ताली बजाओ और कैमरा चलो जा। तो ऐसे भी होते हैं, तो आज तो कुछ नहीं चल पाया, तो हो सकता तुम मन में खिन्न हो, लेकिन हम आपको कहेंगे चार बातें ना भी सीख पाओ तो पांचवी बात आज सुंदरकांड की सीखने योग्य है। क्या हनुमान जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, जब लंका प्रवेश करते हैं तो लंका में सोने की चमक धमक में हनुमान जी नहीं फंसते, उस सोने की चमचमाती हुई नगरी में भी जानकी माता को देखते हैं। मानो इस संसार सागर की चमक दमक में हमें नहीं फंसना चाहिए, इस संसार की चमक दमक में भी हमें भक्ति की सतत खोज करते रहना चाहिए। जो इन पांच में से एक भी सूत्र आज का स्वीकार कर लेगा उसे सुंदर कांड की महिमा समझ में आ जाएगी। सुंदर कांड इसलिए सुंदर है कि राम जी का बंदर भी सुंदर है। एक बात और, छठवां सूत्र और ले, तुम्हारे काम आएगा। काम काज का बंदर नहीं होना चाहिए, राम काज का बंदर होना चाहिए। काम काज का बंदर अंदर होता है। सातवीं सीख और लो सुंदरकांड से, घर में संकट हो, ऊपरी बाधा हो, हनुमान जी की कृपा पानी हो, तो आप लोग शनिवार अथवा मंगलवार को लाल पटे के ऊपर, एक पटा के ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर राम दरबार का चित्र रख के दीपक जलाकर आप प्रातः काल 9 बजे से 2 बजे तक अथवा रात्रि में मध्य रात्रि में सुंदर कांड का पाठ राम जी को बुला करके सुनाइए, आपका घर भी भवन भी सुंदर हो जाएगा। और जो आपको चाहिए उस चौपाई का संपुट लगा करके आप सुंदर कांड का पाठ करिए तो आपको अप्राप्त वस्तु भी हनुमान जी की कृपा से प्राप्त हो जाएगी। लेकिन नियम पूर्वक हम लोग क्या करते हैं, 3 मंगलवार तो पढ़ लेते, चौथे मंगलवार सो जाते हैं, बोलो सीताराम, फिर कहते गुरु जी हनुमान जी की कृपा नहीं हो रही है, ठटरी के बरे कहां से हो जाए। हनुमान जी की कृपा तो तभी होगी जब सतत आप उनका ध्यान करोगे। तो सुंदर कांड का पाठ बड़ा ही ताकतवर है, और हम कहते हैं सुंदर कांड का पाठ ना भी कर पाओ तो आजकल तो मोबाइल चल गए, सुनो नहीं सुन पा रहे, तो सुन लोगों को 5 दिन में सुंदर कांड का महत्व समझ में आ जाएगा। आज तो पहला दिन है, सो दिमाग खराब होंगे तुम्हारे, नहीं समझ आ पाए होंगे, या हमारे कल से समझ में और आएगा। तो बड़े प्रेम पूर्वक कल कितने बजे आना है, 9 बजे, बड़ो बेकार है का बात बाहो रहुआ, ठीक ना बातें, कितने बजे आना है, 3 बजे, कथा तो है 4 बजे से, तुम 3 बजे आ जाना। अच्छा कौन कौन नहीं आएगा कल, हाथ उठाओ, अच्छा अच्छा गड़बड़ हो गया, कौन कौन आएगा, हाँ कितने बजे आना है, घड़ी के बजे 3 तो तुम पंडाल में बजाना बीन,